सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो गाइज, आज आ गया, मैं स्कूल की छुट्टी थी मेरी, आज मैं भी ट्यूशन से आया हूँ। स्कूल की छुट्टी हो गई थी, दीपावली की छुट्टी हो गई थी, और अभी बज रहे हैं पूरे कितने बज रहे हैं कृष्णा? छह बाईस हो रहे हैं पूरे। और अभी यहाँ मस्त विशाल भैया आए हैं अपनी कार से, तो अभी जा रहे हैं पटाखे लाने के लिए, दिवाली की शॉपिंग करेंगे। अभी अपने घर में ना झाड़े लगी हैं झाड़े, और 10 तारीख हो गई है, 12 तारीख को शायद से दीपावली है, कल धनतेरस है, तो मेरा स्कूल अब 16 को खुलेगा, 16 स्कूल जाएंगे, तो अभी झाड़ले भी लगानी होगी। मतलब झाड़ले तो कल लगाएंगे हम लोग, कल छोड़ी दीपावली शायद। हाँ, तो अभी चलते हैं पटाखे लाने के लिए। दादा गए हैं डैडी से पैसे मांगने के लिए, देखते हैं कितने, जहाँ पे मतलब पूरी लाइन से दुकानें लगती हैं, ऐसे GIC में लगती हैं। सर GIC नहीं जा रहे, कहीं और जा रहे हैं शायद, आपको बताते हैं कहाँ जा रहे हैं पटाखे लाने के लिए, मजा आएगा। इतना मस्त गेम खेल रहा है यहाँ पे, ये कौन सा बंडल? बढ़िया वाला। गाइस, आपकी बात तो मैं पूरे पटाखों के खिलाफ हूँ, बिल्कुल ही पटाखे नहीं डालना चाहिए, उनसे बहुत पोल्यूशन होता है, क्योंकि जो दिल्ली है वहाँ पे पूरे पटाखे बैन हो गए हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो मैं भी नहीं चाहता कि पटाखे दगाएं। हम लोग बाहर बातें कर रहे हैं, वो लोग से आवाज आ रही है। हम चाहते हैं, मैं पटाखों के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं आपके ऊपर एक भी पटाखा नहीं लगाऊंगा। चल रहे हैं खरीदने, मैं दादा को मना किया था कि ना लो पटाखे, दादा के वैसे ही दिक्कत है, उसके दिल की धड़कने तेज हो जाती है। कृष्णा भी पटाखे कह रहा है लगाए, लेकिन पटाखे मैं बिल्कुल लगाऊंगा नहीं, पटाखों के बिल्कुल खिलाफ हूँ मैं आपकी बात, क्योंकि उससे पोल्यूशन बहुत होता है ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कोई पटाखे ना लगाए। कृष्णा तो पटाखों के पीछे ही पड़ा है। दादा ने डैडी से कहा था पटाखे के लिए, वरना अगर ये दोनों डैडी से पटाखे लेके ना कहते तो मैं कहता ही पटाखों के लिए, पटाखे मंगाता ही ना, मैं लगाता ही ना पटाखे। वैसे भी पटाखे आएंगे, सिर्फ कृष्णा दादा लगाएंगे, मैं अब की बार इस साल एक भी पटाखा नहीं लगाऊंगा, जो मैंने सोचा है इसके बाद एक भी पटाखा नहीं लगाऊंगा मैं गाइस। और इतने ज्यादा भी पटाखे नहीं ला रहे हैं, वरना पिछले साल तो बोरी भर के लाते थे सब लोग, मतलब बांटते थे, जो तुम्हारा ये मेरा तो पन्नी बनती थी तीनों की, तो तुम्हारा पर बोरी भर भर के लाते थे गाइस। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं है, यही दोनों अपने लाएंगे, दो पन्नी खाली। दादा भर ना लाए पटाखे, दादा जब चलता है स्काई शॉट बड़े बड़े वाले कहेगा जी स्काई शॉट दो बड़े वाले, वो दो, दिमाग खराब हो जाता है, सब भर लेता है वो। एक तो कार से चल रहे हैं, कार में वो दादा सोचा होगा सब कुछ भर लेते हैं, कार में तो जगह ही, वरना तो बाइक में जाते हैं हम लोग। दादा आ रहा है, दया भी जा रहे हैं, ये खड़ा है यहाँ पे दादा। गैस दादा आ गए पहले, विशाल भी अभी यहाँ पे आ चुके हैं। गैस विशाल भैया के साथ जा रहे पटाखे लाने के लिए, चलते हैं अभी पटाखे लाने के लिए। क्या लाओगे? पटाखे लाएंगे, परमाणु बम ले आएंगे, थोड़ा परमाणु बम लाओगे, कहाँ पे छोड़ोगे? इसराइल में। गाइस ये है अपनी कार, गाइस कार में बैठ चुके हैं, अब चलते हैं। कहाँ चलने GIC? हाँ देखे पटाखे कहाँ मिलते हैं, बड़ेल के पास। शायद GIC में नहीं लगे हुए था ना? नहीं पता नहीं कहाँ, कहीं पे चल रहे, जहाँ पे पटाखों की पूरी मार्केट लगती है वहाँ जा रहे हैं। क्या लाने का प्लान है कृष्णा? परमाणु बम। कहाँ पे छोड़ोगे? चीन में छोड़ोगे। और तुम्हें क्या लाने का प्लान है? तुम्हें ज्यादा पटाखे नहीं लाने, स्काई शॉट लाओगे। गाइस ये तो स्काई शॉट ले कह रहा है, मैं तो पटाखो बिल्कुल दगाऊंगा इन्हें आपकी बार, मैं पटाखों का विरोधी हूँ, ठीक है, मैं एक पटाखे नहीं दगाऊंगा। ये लोग पटाखे के लिए पीछे पड़े थे, इसलिए मैं भी चल ही रहा हूँ, मैं डैडी के लिए पटाखे कहता ही नहीं कि पटाखे लाने हैं। दादा पीछे पड़ा 2 दिन के लिए, वो स्काई शॉट ना लाओ दादा, वो बहुत महंगे पड़ जाते हैं। स्काई शॉट ना दो, जो सिंघाड़े होते हैं वो सब ले सुतली पे। गाइज अभी विशाल भैया ने दोस्त को फोन किया, वो तो कह रहे हैं कि पटाखे नहीं लगे हैं, आज कुछ मूर्तियां लगी हैं वहाँ पे, कल शाम से लगेंगे, कल दोपहर से पटाखे लगेंगे। लेकिन अब डैडी कह रहे हैं कि देखा वहाँ पे जाके, तो देखने जा रहे हैं कि पटाखे लगे कि नहीं लगे, घूमने जा रहे हैं, अरे देखने जा रहे हैं, टहल के आ जाएंगे, तो बताओ कि लगे होंगे कि नहीं लगे होंगे। लग जाएंगे, कल छोटी दिवाली है। गाइस पिछले वाले 3 दिन पहले गए थे तब लग गए थे, वैसे कल छोटी दिवाली तो लग जाने चाहिए, ज्यादा चांसेस लग जाने के, बस लग ही जाए, मैं सोच रहा हूँ रहना था, मिल जाए पटाखे, मिल जाए, हम भी चाहते हैं, छोटे भाइयों का मन है। हाँ हाँ, इनकी वजह से आए हैं, खुश हो जाए सब, तुम लोग फिर कुछ खिलाते पिलाते हैं बढ़िया। तुम लोग क्या खाओगे पियोगे, कुछ खाओगे? मैं तो जंक फूड के बिल्कुल खराब हूँ, लेकिन दादा तब भी खाता है। दादा छोड़ दो। हाँ बिल्कुल, 3 महीने से नो जंक फूड, एकदम बढ़िया, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हम कंट्रोल कर लेना शिवान, तुम्हें मजा आ जाए। हाँ 0% बिल्कुल ना, 0% मैदा की चीज तो बिल्कुल है ही नहीं, दोनों लोग जिम वाले। हाँ जिम वाले वो करीब, लेकिन हम जिम वाले, लेकिन हमको कंट्रोल नहीं होता है ना वासन जो, जब बाहर निकल सब मैच्योरिटी के लोग मिल जाते हैं वासन जो, तो हमको खिला देते हैं। हाँ ठीक, जैसे हमारे भैया हैं, उन्होंने कहा अरे तुम ज्यादा रील बनाने लगे वासन जो, तो कहेंगे एक बार हम लोग सब लोग चाय पी के बैठे थे, देखो सब लोग चाय पी रहे थे ठीक है, और तो हमने चाय मना कर दिया कि अरे हम चाय नहीं पीएंगे, तो भैया इनके लिए एक ग्लास जूस लेके आओ,
थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना महफिल में बैठ के, इसलिए हमको लेना पड़ता है। जब हम रहते हैं, जो लोग बाहर निकलते हैं उनकी मजबूरी होता है खाना, चार लोगों के सामने बैठे तो मना नहीं कर पाते हैं, खाना पड़ता है, बातें हैं सब। ना हम भी अब सोच रहे हैं कि कितने महीने से नहीं जंक फूड, एकदम जीरो जीरो, तीन महीने से नो जंक फूड नो मैदा। तो मैदा तो हम भी नहीं खाते, मैदा तो जहर है। हाँ, मैदा जहर है। हाँ, उसको समझा दीजिए, मैदा, व्हाइट नमक। हाँ, जो पीछे बैठा है उसको समझा दीजिए दादा। सफेद नमक, चीनी और मैदा, ये तीन जो जहर है जीवन के लिए, और बाकी जंक फूड तो थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, 19-20 चलता है। गाइस, वहाँ पे जो मैदान है वहाँ पटाखे लगते हैं, वो देख तो लिया है, लेकिन वहाँ पे पटाखे की दुकान लग रही है, पटाखे नहीं है कोई वहाँ पे, दादा नहीं लगा है। बताओ दादा क्या कर रहे हैं? कल आएंगे फिर वहाँ पे, मतलब दुकानें सजा रहे हैं लोग अपनी, डेकोरेट कर रहे हैं, पटाखे कोई बिक नहीं रहे वहाँ पे अभी। ये कौन सा मैदान है? बड़ेल रोड पे है। बड़ेल रोड, बड़ेल से हाईवे रोड गई है उसी पे। हाँ, बड़ेल पे हैं गाइस अभी हम लोग। अब घर चलते हैं। गाइस आए थे पटाखे लेने के लिए, पोपट करवा के जा रहे हैं, कैसा लगा? पोपट हो गया, इन दोनों का पोपट हुआ है। मैं तो पटाखे लेने आया ही था, दादा ही बताता जो लेते हैं ना। कैसा लग रहा है? कोई नहीं, कल आएंगे। गाइस पोपट हो गया, लेकिन अभी कुछ गए हैं विशाल भैया दवाई लेने के, सामने मेडिकल स्टोर पे गए हैं, और मैं यहाँ पे आगे बैठा हूँ, कृष्णा यहाँ बैठा है, दादा यहाँ बैठा है, और वो कह रहे हैं कि कौन सी गाड़ी जाता, स्कॉर्पियो एन एक गाड़ी है उनकी सनरूफ वाली, तो उसे घुमाने जाएंगे, सनरूफ होता है तो मैं साथ घुस जाएंगे, ऊपर का नजारा लेंगे, तो सनरूफ वाली गाड़ी होती है, कभी बैठा भी नहीं हूँ मैं, ना कृष्णा बैठा है, दादा बैठा है, बैठोगे ना सनरूफ वाली गाड़ी में? सनरूफ वाली गाड़ी लाएंगे तो मैं उससे घूमेंगे पूरा ऊपर ऊपर, मतलब निकल के मजा आएगा ना, देखते हैं कल चलते हैं कि नहीं। गाइस यहाँ पे अभी आइसक्रीम लगाते हैं, राजभोग और अमेरिकन कॉर्न, आइसक्रीम खाते हुए चलते हैं घर। आइसक्रीम आ गई अपनी, ये रही विशाल भैया की। गाइस ये है हमारी अमेरिकन ड्राई फ्रूट, ये है राजभोग, खाते हैं अभी, ये दोनों फेमस है यहाँ की। कैसी लगा किसने आइसक्रीम? मस्त है आइसक्रीम। विशाल भैया आपको कैसी लगी ये आइसक्रीम? बहुत बढ़िया, आप ट्राई करके देखते हैं। गाइस अभी आइसक्रीम खा ली है वो विशाल भैया, अभी चले गए अपने काम से, हम लोग आगे घर, कल जाएंगे कि 3-4 बजे जाएंगे मस्त लाने पटाखे, अभी दुकान तो लगी नहीं, पोपट करवा के आगे कल जाएंगे 3-4 बजे, लेट गए थे, अभी 8 बज गए, अभी मैं अपना वर्कआउट शुरू करूंगा, वर्कआउट मेरा छूट गया, अभी करते हैं कंटिन्यू। इतने पटाखे लाए, बोरी भर के पटाखे लाए मम्मी, ठीक बोरी भर के लाए हैं, है ना कृष्णा? दादा जल्दी लाओ, जल्दी लाओ पटाखे, इधर आओ मम्मी, दो बोरी पटाखे ले आए, आपको क्या लगा था मम्मी? हम समझे दो बोरी, मम्मी से कहा 2 बोरी लाए, लेकिन हम लोग टहल घूम गया पूरा बटेल, गए थे वहाँ पे दुकानें लग रही है, विशाल भैया बाल कर, हमने सैलून में बाल कटने लगे थे बीच में, गाइस यहाँ पे कुबेर जी की अपने पास मूर्ति है, मम्मी ने मंगाई थी कुबेर जी की मूर्ति, कुबेर जी और गणेश लक्ष्मी, कुबेर जी और गणेश लक्ष्मी का है। गाइस गणेश लक्ष्मी है, आज के दिन क्या है मम्मी? आज धनतेरस। गाइस आज धनतेरस है, आज धनतेरस है, इसलिए हमें कुबेर जी की मूर्ति और गणेश लक्ष्मी जी की लाए हैं, कपड़े भी और ये कपड़े हैं। गाइस घर पे आने के बाद ऊपर अपना वर्कआउट भी कंप्लीट कर चुके हैं, अभी रात के पूरे 10 बज चुके हैं, हम नीचे चलते हैं। गाइस अभी तो मैं इस ब्लॉग को एंड कर देता हूँ, पूरे रात के 1 बज चुका है, काफी लेट से सो रहे हैं, तो अगर आपको ब्लॉग देखे मजा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए, मिलते हैं कल सुबह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब बाय बाय। और गाइस कल पटाखे लेने जाएंगे, तो नेक्स्ट ब्लॉग में देखिए क्या हम लोग कौन कौन से पटाखे लेके आते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़े बहुत ले आएंगे, बाय बाय।